सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर। कल के लिए हमारे क्या व्यूज रहेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा, आज क्या क्या हुआ है मार्केट में और आने वाले सेशंस में क्या क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी, मैं इस चैनल पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो रेगुलरली अपलोड करती हूँ। समटाइम्स ट्रैवल के वीडियोस भी अपलोड करती हूँ और जब कभी भी टाइम मिलता है तब मैं एक एजुकेशन पर्पस में या फिर किसी स्टॉक को लेके वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सही से आती जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो निफ्टी 50 के साथ। तो आज निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे आई है, तो निफ्टी की आज क्लोजिंग आई है 11,840 के पास और फिलहाल मेरे सामने निफ्टी का 14th नवंबर का ऑप्शन डेटा है। तो हम लोग पहले ऑप्शन डेटा देख लेंगे निफ्टी 50 का, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी कहाँ पे हो सकती है, एक्सपायरी की रेंज क्या रहेगी, ये सब लोग सब हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो 840 की क्लोजिंग आई है, इसका मतलब हम लोग 800 और 850 के बीच में एट दी मनी है। तो 11,800 के लेवल के ऊपर कॉल साइड में 8,21,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हमें दिखाई दे रहा है, वही 4,38,000 की राइटिंग हमें दिखाई दे रही है। अपसाइड चाहे तो 11,900 के लेवल के ऊपर 26 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और 12 लाख की हमें यहाँ पे राइटिंग देखने को मिल रही है। 11,950 के लेवल के ऊपर 19 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और 12,92,000 की राइटिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कॉल साइड में अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा है वो है 39 लैक्स का, जो कि है 12,000 के लेवल के ऊपर, वही 14 लैक्स की राइटिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा राइटिंग भी हमें 12,000 के लेवल के ऊपर ही दिखाई दे रही है। तो अगर हम लोग बात करें रेजिस्टेंस की, तो निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 12,000 का लेवल, वही अगर हम लोग देखें तो 11,900 और 950 के ऊपर भी अच्छी खासी राइटिंग हुई है। तो ये 11,900 फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी के लिए कल के लिए। अभी 840 के पास क्लोजिंग आई है, तो कल अगर निफ्टी अपसाइड के लिए भागता है तो 11,900 के लेवल के ऊपर उसको फर्स्ट रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। वही 39 लैक्स के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बाद जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है वो है 26 लैक्स का 11,900 के लेवल के ऊपर। तो फिलहाल निफ्टी के लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा 11,900 का लेवल और नेक्स्ट 12,000 का लेवल। तो अभी कॉल साइड देख ली, तो पुट साइड में चलते हैं। तो पुट साइड में अगर हम लोग देखें 11,800 के लेवल के ऊपर 18 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई दे रहा है और 90,000 की राइटिंग हुई है। नीचे जाए तो 11,700 के लेवल के ऊपर 14 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और 1,55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जिट हमें दिखाई दे रही है। वही और नीचे जाए तो 11,600 के लेवल के ऊपर 6,45,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई दे रहा है और 3,66,000 की एग्जिट हुई दिखाई दे रही है। वही अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमें कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जिट देखने को मिल रही है। तो फिलहाल जिन्होंने भी अपनी पोजीशंस बनाई हुई थी वो लोग अपने पोजीशंस से एग्जिट हो रहे हैं पुट साइड में। तो अगर हम लोग देखें पुट साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट फिलहाल कहाँ पे खड़ा है,
तो सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा है वो है 18 लैक्स का, 11,800 के लेवल के ऊपर। वही अगर हम लोग राइटिंग देखें तो आज 11,800 के लेवल के ऊपर ही हमें राइटिंग दिखाई दे रही है, सिर्फ 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो अगर हम लोग देखें तो पहला जो सपोर्ट बना हुआ है निफ्टी के लिए वो है 11,800 का लेवल। उसके बाद में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो है 14 लैक्स का, जो कि है 11,700 के लेवल के ऊपर। तो अभी अगर हम लोग क्रूशियल एकदम इम्पोर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो वो है 11,800 का लेवल। और अगर ये टूटेगा तो निफ्टी जो है हमें फिर से डाउनसाइड के लिए जाता हुआ दिखाई देगा, कहाँ तक, 11,700 के लेवल के ऊपर। उसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट है। तो अगर मैं एक निफ्टी की रेंज की बात करूं तो निफ्टी की जो रेंज मुझे नजर आ रही है तो वो है 11,700 से लेके 12,100 के बीच में। तो अभी निफ्टी 50 के लिए हमने ऑप्शन डेटा तो देख लिया है, तो चलिए चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर निफ्टी 50 के। फिलहाल मेरे सामने निफ्टी का 1 डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है और निफ्टी की क्लोजिंग आई है 11,840 के पास। तो देखिए अभी निफ्टी ने 850 का लेवल तोड़ा और उसके नीचे की क्लोजिंग दे दी है। तो जैसे मैंने कहा था, अगर 850-830 बिलो क्लोजिंग मिल जाती है निफ्टी में तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी जो है वो फिर से डाउनसाइड के लिए जाता हुआ दिखाई दे सकता है। कहाँ तक? 11,700 तक हमें निफ्टी जो है वो जाता हुआ दिखाई देगा। ये कंफर्मेशन कब मिलेगा? 8:30 के बिलो एक क्लोजिंग मिलने के बाद ये कंफर्म हो जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी का जो ट्रेंड है वो थोड़ा चेंज हो गया है। बट हमें यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को एक बाइंग के तौर पे लेना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। कि जहाँ पे निफ्टी अगर थोड़ा भी डाउन साइड के लिए आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां से हमें अपनी एक बाइंग की पोजीशंस बनानी चाहिए। ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे हमें जरूर लेना चाहिए। 11,700 के नीचे जाना फिलहाल पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कुछ बुरी न्यूज आती है तो ही हमें निफ्टी जो है वो 11,700 के सपोर्ट को तोड़ता हुआ दिखाई देगा। बट अगर हम लोग बात करें अपसाइड की, तो अपसाइड के लिए देखिए जब तक 12,034 का लेवल नहीं टूटता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं मिलता है, तब तक हम लोग अपसाइड के लिए निफ्टी के अंदर कोई भी लेवल्स नहीं देख सकते। फिलहाल ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे कल भी मार्केट ने क्लोजिंग दी, आज भी मार्केट उसके नीचे ही बंद हुआ है। तो फिलहाल यहां से थोड़ा ट्रेंड मुझे चेंज होता हुआ निफ्टी के अंदर दिखाई दे रहा है। बट ब्रॉडर हेल्थ ऑफ द मार्केट इज ऑल्सो निगेटिवली बायस्ड फॉर द नियर टर्म। दिस करेक्शन प्रोवाइड्स विद एन एक्सीलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द मीडियम टर्म परस्पेक्टिव। सो सजेस्ट एक्यूमुलेटिंग सिलेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स। ये आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे जरूर लेना चाहिए। अभी यहां से आगे निफ्टी के क्या लेवल्स होंगे कल के लिए? कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के लिए कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है? तो फिलहाल 840 के ऊपर क्लोजिंग आई है, तो यहां से जो सेलिंग प्रेशर वाला लेवल है वो है 830 का लेवल। ये लेवल के नीचे अगर निफ्टी 30 मिनट से ज्यादा टिक जाएगा तो हम लोग सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं बहुत ज्यादा, जो निफ्टी को 750 और 700 की तरफ लेके जाएगी। वही अपसाइड के लिए देखिए, अपसाइड के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 900 का लेवल। इसके ऊपर अगर निफ्टी टिक जाएगा तो हम लोग 950 और 980 तक के लेवल्स निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। तो यहां से फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए 810 का लेवल, उसके बाद में 760 और 50 का जोन, और उसके बाद में 700 का लेवल। अपसाइड के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 880 का लेवल, उसके बाद में 11,910 का लेवल, और उसके बाद में 11,980 का लेवल।
ये निफ्टी 50 के लिए रेजिस्टेंस का काम करते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। सो निफ्टी के लिए हमने देख लिया है। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी होगी तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, मैं वहां पे आपको आंसर कर लूंगी। मेल कभी कभार मिस हो जाते हैं तो कमेंट्स में पूछिएगा, मैं हर रात को कमेंट्स चेक करती हूँ और सबके आंसर दे देती हूँ। तो अभी निफ्टी के लिए हमने देख लिया है, तो चलिए चलते हैं अभी बैंक निफ्टी के ऊपर। सो बैंक निफ्टी की 14 नवंबर की ऑप्शन चेन है मेरे सामने और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 30,541 के पास। तो फिलहाल आज निफ्टी बैंक में हमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली और अभी फिलहाल निफ्टी बैंक ने अपना इम्पोर्टेंट सपोर्ट 30,500 का लेवल जो है वो होल्ड रखा है, उसके ऊपर की क्लोजिंग दे दी है। तो अभी यहाँ से आगे निफ्टी बैंक में क्या हो सकता है ये हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल ऑप्शन डेटा देख लेते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो 30,541 की क्लोजिंग आई है तो इसका मतलब हम लोग 500 और 600 के बीच में एट दी मनी है। तो 30,500 के लेवल के ऊपर कॉल साइड में 2,09,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और 34,000 की राइटिंग देखने को मिल रही है। वही उसके सामने 5,27,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई दे रहा है और 3,07,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जिट दिखाई दे रही है। वही अपसाइड जाए तो 31,000 के लेवल के ऊपर 8,79,000 का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में खड़ा है और 6 लैक्स की हमें यहाँ पे राइटिंग देखने को मिल रही है। तो कॉल साइड में अगर हम लोग देखे तो अच्छी खासी राइटिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है कॉल साइड में। वही अगर पुट साइड में जाए तो पुट साइड में हमें यहाँ पे एग्जिट देखने को मिल रही है कॉन्ट्रैक्ट में से। तो अगर कॉल और पुट साइड में हम लोग देखे, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट राइटिंग कहाँ पे हुई है, तो कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा हमें दिखाई दे रहा है तो वो है 8,79,000 का, जो कि है 31,000 के लेवल के ऊपर। वही अगर पुट साइड में जाए तो पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे खड़ा है, तो पुट साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है वो है 5,55,000 का, जो कि है 30,000 के लेवल के ऊपर। वही अगर हम लोग देखें हाईएस्ट राइटिंग कहाँ पे हुई है, तो हाईएस्ट राइटिंग कॉल साइड में हुई है 6,04,000 की, जो कि है 31,000 के लेवल के ऊपर। वही अगर पुट साइड में देखें तो पुट साइड में हाईएस्ट राइटिंग हुई है 85,000 की, जो कि है 30,300 के लेवल के ऊपर। तो अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी बैंक के लिए जो रेजिस्टेंस हमें इस ऑप्शन डेटा से दिखाई दे रहा है तो वो है 31,000 का लेवल और सपोर्ट जो है फिलहाल वो है 30,000 का लेवल। तो फिलहाल अभी 30,500 के पास क्लोजिंग आई है, तो यहाँ से आगे निफ्टी बैंक के लिए जो रेजिस्टेंस फेस हो सकता है वो है 31,000 का लेवल और एक क्रूशियल सपोर्ट है 30,000 का लेवल। तो अगर मैं एक रेंज की बात करूं तो निफ्टी बैंक की जो रेंज मुझे नजर आ रही है तो वो है 30,000 से लेके 31,000 के बीच में। तो अभी निफ्टी बैंक के लिए हमने ऑप्शन डेटा तो स्टडी कर लिया है, तो चलिए चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक के। तो फिलहाल मेरे सामने निफ्टी बैंक का 1 डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है और आज निफ्टी बैंक ने एक रेड कलर की बेरिश कैंडल फॉर्म की है। तो अभी यहाँ से आगे निफ्टी बैंक में क्या हो सकता है, तो अगर हम लोग देखें तो आज निफ्टी बैंक के अंदर क्या हुआ था, तो देखिए आज निफ्टी बैंक ने ओपनिंग की थी 31,084 के पास और इंट्राडे हाई किया था 31,198 के पास और इंट्राडे लो कहाँ पे किया था 30,488 के पास। तो आज निफ्टी बैंक ने अपने 30,500 के सपोर्ट को टेस्ट किया और अभी फिलहाल क्लोजिंग कहाँ पे मिली है 30,541 के पास। तो अभी यहाँ से आगे निफ्टी बैंक में क्या होगा, तो देखिए अभी निफ्टी बैंक के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 30,500 का लेवल। इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी बैंक कल 30 से 40 मिनट तक ट्रेड कर लेता है तो निफ्टी बैंक हमें 30,000 के तरफ जाते हुए दिखाई दे सकता है। वही इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल गई
तो फिर निफ्टी बैंक में हम लोग फिर से 29,000 तक के लेवल्स देख सकते हैं। वही अपसाइड के लिए देखिए, अपसाइड के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 30,850 का लेवल। इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो 31,000 के तरफ निफ्टी बैंक जाते हुए हमें दिखाई दे सकता है। फिलहाल 30,800 के नीचे फिसल गया है मार्केट, तो अभी यहाँ से अपसाइड के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है निफ्टी बैंक के लिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस एक हर्डल फेस हो सकता है निफ्टी बैंक के लिए। तो अभी कल के लिए देखना इम्पोर्टेंट है कि 30,800 के ऊपर टिकता है कि नहीं। अगर टिक गया तो 31,000 तक के लेवल्स हम लोग निफ्टी बैंक के अंदर डेफिनेटली देख सकते हैं। तो निफ्टी बैंक के लिए यहाँ से फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 30,500 का लेवल, 30,300 का लेवल और 30,000 का लेवल। अपसाइड के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 30,600 का लेवल, 30,850 का लेवल और 31,000 का लेवल। ये निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस का काम करते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। तो अभी निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए जो भी मैंने आपको लेवल्स बताए हैं वो प्लीज अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कीजिएगा, आपको ट्रेडिंग में डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। और मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर लेवल्स जो है वो नेक्स्ट डे के लिए शेयर करती हूँ। तो आपने अगर मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वीडियो के एंड में आप सब सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लिख लिया करो, तो मैं नहीं लिखती हूँ क्योंकि मैं टेलीग्राम चैनल पे एवरी नाइट को मैं शेयर करती हूँ, तो वहाँ पे आप चेक कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अभी आज के लिए, इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अगर वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। जिनको भी ये वीडियो यूज़फुल है उन सबके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और उन सबको कहिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।